नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको ई रिक्शा का फुल वायरिंग पार्ट 5 बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात और, मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया हूँ, कुंदन कुमार ब्लॉग्स। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि हमारे इस नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उसमें जो भी वीडियो डालता हूँ उसे देख कर दोस्तों आप जरूर से ज़रूर लाइक करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ई रिक्शा का फुल वायरिंग है, ये पांचवा भाग है, मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया दोस्तों कि 48 वोल्ट कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है दोस्तों। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया दोस्तों कि डीसी कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट का सप्लाई निकलता है दोस्तों, उसमें आप हॉर्न का कनेक्शन को किस तरह से करेंगे और आप उसे कनेक्शन को कैसे पहुँचाएंगे दोस्तों। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया दोस्तों डीसी कन्वर्टर से जो 12 वोल्ट का सप्लाई किया है दोस्तों, उसमें हेडलाइट कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे और हाई लो के कनेक्शन को आप किस तरह से आपको पहचानेंगे दोस्तों। पार्ट 4 में मैंने आपको बताया दोस्तों कि थ्रोटल का जो रिवर्स का वायर होता है उसको आप किस तरह से पहचानेंगे दोस्तों और आप उसका कनेक्शन को किस तरह से करेंगे दोस्तों। ये पार्ट 5 है वायरिंग का दोस्तों। इसमें आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि रिक्शा का जो स्पीडोमीटर होता है उसके वायर को आपको किस तरह से पहचानना है दोस्तों, और ब्रेक स्विच जो लगी हुई होती है उसका कनेक्शन को आप किस तरह से करेंगे और उसके तार को आप किस तरह से पहुँचाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि रिक्शा में एक स्पीडोमीटर लगी हुई होती है दोस्तों, जिसमें मीटर शो करता है स्पीड, जितना आप गति में चलाते हैं गाड़ी वो आपका शो करता है दोस्तों। मैं आपको बता दोस्तों, ये देखिए स्पीडोमीटर का वायर है दोस्तों, कॉर्ड है दोस्तों, इसमें 6 तार लगी हुई होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लेकिन इसमें 5 तार ही लगी हुई है, एक तार और होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें वायरिंग में एक तार ये अलग से कर दिया गया है दोस्तों, और सब में बहुत वायर में ऐसे होते हैं कि 6 तार इसमें लगी हुई होती है दोस्तों। ये 6ठा तार जो मैं इसका बाहर लिखा हुआ है दोस्तों, ये ही स्पीडोमीटर का है दोस्तों। इसका कनेक्शन जब कंट्रोलर से आता है दोस्तों, तो आप में गाड़ी में कितना स्पीड चल रहा है, 5 का 10 का 20 का 25 का, वो आपको दोस्तों शो करता है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये देखिए स्पीडोमीटर के लिए है दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों कि चाबी को हम लोग ऑन करते हैं, इसके माध्यम से 48 वोल्ट का तार आता है दोस्तों, और ये दोस्तों ये निगेटिव है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये निगेटिव तो ब्लैक होता है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि निगेटिव या कोई भी तार को कंपनी जो है वो कभी कोई चेंज करती है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए ये तार आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, ये झुंड के पास निगेटिव ब्लैक तार है, इसमें इस तार को भी दोस्तों आपको जोड़ दिया गया है दोस्तों। ये देखिए ये निगेटिव है दोस्तों, ये 48 वोल्ट जैसे चाबी हम लोग ऑन करते हैं, 48 वोल्ट इसमें जाता है मीटर में, मीटर ऑन होता है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू तार देख रहे हैं, ब्लू वाइट, ये है हेडलाइट को जब हम लोग ऑन करते हैं तो हेडलाइट का जो लोगो होता है मीटर में वो इसके द्वारा आपको शो करना शुरू करता है दोस्तों। ये दो तार जो आप देखते हैं लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए है, जब हम लोग इंडिकेटर जलाते हैं लेफ्ट राइट, तो इस दोनों तार के माध्यम से मीटर का जो लोगो होता है इंडिकेटर का वो शो करना शुरू करता है दोस्तों। और ये वायर जो है ये दोस्तों स्पीडोमीटर के लिए दोस्तों, इसे नहीं लगाएंगे तो गाड़ी में स्पीड कितना दे रहा है ये आपको दोस्तों नहीं बताएगा। ये कंट्रोलर से आता है दोस्तों, इसमें अलग कर दिया है, किसी में ये सेट में ही रहता है। ये स्पीडोमीटर का तार होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट कंट्रोलर से, यानी पीछे यहाँ देखिए दोस्तों, ये पीछे का वायर में देखिए आपको, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए सिंगल तार है दोस्तों व्हाइट कलर का, ये दोनों तार आपको सेम है दोस्तों। मैं आपको मल्टीमीटर चेक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर है, इसको पहले बीप के मोड पर ले आई जिसमें आवाज़ करता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर साउंड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर का निगेटिव पॉजिटिव है, मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ देखिए निगेटिव तार को मैंने एक व्हाइट कलर के तार में लगा दिया है, ये पॉजिटिव को मैं दूसरे तार में लगाता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, आप सुन रहे होंगे दोस्तों, ये दोनों सेम तार है दोस्तों। मैं एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ तो ध्यान दे दोस्तों, आप जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं दोस्तों इसमें ब्लैक तार अर्थिंग है क्या है, इसको भी आप पहचानने आपको आसानी होगा दोस्तों, मैं उसे भी आप सिखा देता हूँ दोस्तों। ये मल्टीमीटर को आप मोड़ पर ले आए दोस्तों, ये निगेटिव तार का वायरिंग में कहीं भी आपको निगेटिव तार दोस्तों मिलता है। देखिए मैं आपको दिखाता देता हूँ दोस्तों, ये ब्लैक तार जहाँ भी है वो आपको निगेटिव तार होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप निगेटिव तार को कोई भी निगेटिव तार ब्लैक तार ले लें दोस्तों, आसान में तरीका मैं आपको बता दूँ समझाने के लिए दोस्तों, आपको इस तरह से लगा देना है दोस्तों। लगा दिया है दोस्तों आपको, ये देखिए ये मीटर का जो है ये कॉर्ड है दोस्तों। आप बारी बारी से सभी तार में चेक करें, अगर सेम तार होगा तो इसमें आपको बीप का साउंड सुनना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए इसमें लगाया आवाज़ नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तार में भी मैंने लगाया, आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए इसमें भी देखिए आवाज़ नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए इस तार में लगाया, इसमें भी आवाज़ नहीं कर रहा दोस्तों। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों इस तार में जैसे मैंने लगाया आवाज़ करना शुरू कर दिया दोस्तों। मैं दिखा दूँ दोस्तों,
ये देखिए आपको इस कलर का तार है दोस्तों, यहाँ देखिए फिर मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, तो देखा आपने दोस्तों, ये आप आसान तरीके से पहचान सकते हैं दोस्तों कि ये निगेटिव तार है दोस्तों। कलर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन आपको ये आवाज़ से आपको बता लगे सर ये निगेटिव तार है दोस्तों। देखा आपने कितना आसान है, आपने देख लिया ये 48 वोल्ट का सप्लाई है दोस्तों, ये निगेटिव है दोस्तों, ये इंडिकेटर लेफ्ट लाइट के लिए और ये हेडलाइट के लिए है, आपने देखा दोस्तों। इस तरीके से करते हैं दोस्तों, अब मैं आपको ब्रेक स्विच का कनेक्शन आपको बता दूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए पीछे में ब्रेक स्विच का कनेक्शन इस तरह से रहता है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों ये ब्रेक स्विच का कॉर्ड है दोस्तों, इसमें इस तरह से ब्रेक स्विच, देखिए ये ब्रेक स्विच है, ये ब्रेक स्विच देखिए दोस्तों इस तरीके से लगता है दोस्तों। ब्रेक जो स्विच होता है दोस्तों वो 12 वोल्ट का सप्लाई चलता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डीसी कन्वर्टर से देखिए 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें आया है दोस्तों, ये सेम 12 वोल्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट आता है दोस्तों। जब हम लोग ब्रेक स्विच को ब्रेक को घिसते हैं दोस्तों, ब्रेक दाबते हैं तो ये स्विच इस तरह से बाहर घिंचाता है दोस्तों। यहाँ देखिए आप बढ़िया से इस तरह देखिए दोस्तों, इस तरह से ये बाहर आता है। तो इस तार के माध्यम से पीछे का आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों, ये पीछे कॉर्ड है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप सेम तार देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ देखिए ये सेम तार है, इसके द्वारा माध्यम से इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आता है दोस्तों। और निगेटिव देखिए पहले सब जगह रहता है दोस्तों, और आपका बैकलाइट का जो बैकलाइट जो होता है वो जलना शुरू होता है दोस्तों। जैसे हम लोग ब्रेक को घिसते हैं, इस तरह से घिसते हैं, मतलब कि जब हम ब्रेक दाबते हैं तो ये स्विच जो है ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बाहर की ओर घिंचाता है दोस्तों। घिंचाने के बाद इसके तार के माध्यम से ये 12 वोल्ट का सप्लाई आया, जब हम घिसते हैं तो इस तार के माध्यम से पीछे का जो आप कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों ब्रेक लाइट का, वो ब्रेक लाइट में 12 वोल्ट सप्लाई आता है दोस्तों, और ब्रेक लाइट का बल्ब दोनों जलना शुरू होता है दोस्तों। मैं आपको मल्टीमीटर से इसे ही मैं चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, मल्टीमीटर को देखिए दोस्तों, इस तरह भी कर देना है दोस्तों, इस साउंड पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों। ये निगेटिव तार है दोस्तों, मल्टीमीटर का निगेटिव तार को आप जो है यहाँ देखिए, ये 12 वोल्ट का सप्लाई जो डीसी कन्वर्टर से आया दोस्तों, मैं इसमें लगा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों 12 वोल्ट का सप्लाई मैंने ब्लैक तार लगा दिया दोस्तों, आप लेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रेड तार को आपको इस तार से, यहाँ देखिए ये पीछे का स्विच है, इसमें मैं पहले कनेक्शन आपको करता हूँ दोस्तों, तब मैं ब्रेक स्विच को आपको खींच के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मैंने घुसा दिया इधर, यहाँ देखिए घुसा दिया है, अभी देखिए आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको जैसे ही दिखाऊँगा, ये देखिए ये स्विच है ब्रेक स्विच, जैसे मैं इसे ब्रेक डाल लेंगे तो ये स्विच खिंचाता है दोस्तों, आप आवाज़ आना शुरू होगा दोस्तों। आप देखिए सुन रहे हैं दोस्तों आवाज़, देखिए मैंने छोड़ दिया, आवाज़ बंद हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों आपने देखा इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों, जैसे हम लोग ब्रेक स्विच लेते हैं, कनेक्शन रहता है, 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें जाता है दोस्तों, और स्विच के माध्यम से इस तार के द्वारा पीछे का ये जो ब्रेक स्विच का कनेक्शन है दोस्तों बल्ब का, उसमें ये 12 वोल्ट सप्लाई आता है दोस्तों, और बल्ब बलना आपका चालू हो जाता है ब्रेक लाइट का दोस्तों। देखा आपने दोस्तों अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा, जैसे हम ब्रेक मारते हैं और ये स्विच जो है जैसे ये घिंचाता है बाहर, और उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाता है दोस्तों। देखा दोस्तों इस तरीके से ये स्विच होता है लगा हुआ, और यही स्विच आपको आगे भी दोस्तों लगा हुआ था, मैं आगे भी आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए आगे का वायरिंग है दोस्तों, इसमें भी एक ब्रेक स्विच का कनेक्शन रहता है दोस्तों, आगे जो हैंड में ब्रेक लगा हुआ रहता है हाथ से ब्रेक, उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 12 वोल्ट का सप्लाई आया दोस्तों, सेम वही चीज़ है दोस्तों, आपको मैं दिखा दूँ इस तरीके से। आप ये कनेक्शन आपका देख रहे हैं, ये आगे में ब्रेक स्विच के लिए है दोस्तों, जब आगे का हम लोग ब्रेक हाथ का ब्रेक जब दाबते हैं उसके माध्यम से भी दोस्तों इसमें करंट आना शुरू हो जाता है, और बल्ब जलना पीछे का ब्रेक जलना शुरू होता है दोस्तों। देखा दोस्तों कितना आसान है दोस्तों, ब्रेक स्विच का कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, ये आगे का होता है ये, और मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये देखिए ये पीछे का है दोस्तों, जब पीछे का हम लोग ब्रेक दाबते हैं इसमें स्विच लगी हुई होती है, इसके माध्यम से काम करता है, और जब आगे का हम लोग ब्रेक लेते हैं हाथ का ब्रेक, उसके लिए इस माध्यम से आपको वहाँ पर पीछे में कनेक्ट हो जाता है 12 वोल्ट का सप्लाई, और जो है यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई आता है, और पीछे का जो लाइट होता है ब्रेक लाइट वो जलना शुरू होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा ये देखने के बाद आप आराम से स्पीडोमीटर का कनेक्शन को आप आसानी से तार को पहचान कर सकते हैं दोस्तों, और ब्रेक स्विच में जो कनेक्शन होता है वो भी आप आसानी से पहचान सकते हैं दोस्तों। मैं आपको फिर एक बार बता दूं दोस्तों, इसमें 6 कॉर्ड में 6 तार लगी हुई होती है, मीटर का है दोस्तों, लेकिन इसमें ये अलग से एक तार लगा, अलग से तार सिस्टम कर दिया है दोस्तों, ये व्हाइट कलर का,
ज़्यादातर इसमें सेट रहता है दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपने इसमें देखा, आप मल्टीमीटर के माध्यम से इसमें भी पता कर सकते हैं कि निगेटिव तार कौन सा है, इस तरीके से पहचान सकते हैं दोस्तों। देखिए कलर पर बिल्कुल ना जाएं, कलर कोई भी हो सकता है। मल्टीमीटर का आपको जानकारी है तो आपको वायरिंग करने में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। हमारे नए चैनल को भी आप लोग दोस्तों जरूर ज़्यादा सब्सक्राइब मारे और लाइक करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट 6 फिर बहुत जल्द आप लोगों को बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।